स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, दैट इज NPPA. सो एज अ फार्मासिस्ट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि जो भी DPCO है, ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, वो हमारे लिए कितनी इशेंशियल है. ठीक है, सो सबसे पहले इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो भी इसेंशियल कॉमोडिटीज़ होती हैं, जो भी इसेंशियल कॉमोडिटीज़ एक्ट हैं इंडिया के अंदर, इसको इन्फोर्स किया गया 1 अप्रैल 1955 में. ठीक है, एंड देन NPPA, डेट इज़ नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइस अथॉरिटी, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है और ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन, मीन्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उनके द्वारा इसको ऑथराइज्ड किया जाता है. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही जो ड्रग्स की, जो मेडिसिन की जो प्राइस रखी जाती है वो अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजेशन के द्वारा ही इसको फिक्स प्राइस किया जाता है. ठीक है, इस एक्ट को जो है NPPA एक्ट को सेटअप किया गया था 1997 में फर्स्ट टाइम. ठीक है, और इसका जो मेन रोल था, मेन जो एम था कि जो भी ड्रग्स की प्राइस थी उसको फिक्स की जाए, जो भी इशेंशियल ड्रग्स थी उसको फिक्स की जाए ताकि जो आम आदमी है वो भी अफोर्ड कर पाए मेडिसिंस को. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तरह से इस एक्ट को इसलिए लाया गया कि जो भी उस टाइम पे, ये एक्ट नहीं आने से पहले जो भी लोग ड्रग्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे वो अपने अकॉर्डिंग ड्रग्स की सेलिंग कर रहे थे, उसकी प्राइस जो थी वो फिक्स नहीं थी, वो अपने अकॉर्डिंग किसी से भी पैसे ले रहे थे. इस वजह से इस एक्ट को जो है इंडिया में इन्फोर्स किया गया. ठीक है, सो द मेन रोल इज़ टू फिक्स, रिवाइज, कंट्रोल बल्क ड्रग प्राइस एंड फॉर्मुलेशन, मीन्स जो भी ड्रग्स की बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बल्क में, तो मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद वो ड्रग जो पर्सन उसको मैन्युफैक्चरिंग प्लेस से लेके जा रहा है होलसेल में, तो उसकी प्राइस जो है बहुत कम होनी चाहिए ताकि जो लोग हैं, जो पब्लिक है उसको ले सके. अगर प्राइस कम होगी तो जो आम आदमी है वो भी उसको अफोर्ड कर सके. ठीक है, तो ड्रग की प्राइस को रिवाइज करना, ड्रग की प्राइस को फिक्स्ड करना, एंड देयर फॉर्मुलेशन इज ऑल्सो. सो बेसिकली इसको इन्फोर्स किया गया इस प्राइस कंट्रोल की, कि जो भी मेडिसिंस हैं उसकी अवेलेबिलिटी फुल होनी चाहिए. ठीक है, लाइक जो हमारा इसेंशियल मेडिसिंस होता है, वी कैन से पैरासीटामोल, बिकासूल्स, तो दीज आर द इसेंशियल मेडिसिंस. ऑल राइट, सो इस एक्ट को जो है बेसिकली इन्फोर्स्ड किया गया अंडर DPCO. DPCO स्टैंड फॉर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, और बेसिकली ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर जो है इन्फोर्स्ड किया गया प्रॉपरली 2013 में इंडिया में. ठीक है, और लेटेस्ट DPCO जो है, वी कैन से ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, लेटेस्ट DPCO एक्ट वॉज इन्फोर्स्ड इन 2013 में, ऑन 15 May 2013 में. बेसिकली ये डेट है, इस डेट को जो है इंडिया के अंदर इस एक्ट को जो है इशूड किया गया. ठीक है, DPCO इज एन ऑर्डर इशूड बाय गवर्नमेंट, ये ऑर्डर जो है गवर्नमेंट ने इशू किया है, और इसके अंदर इसेंशियल कॉमोडिटीज एक्ट आती हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसेंशियल जो भी मेडिसिंस होती हैं, वी कैन से पैरासीटामोल, बिकासूल्स एंड अदर आल्सो जो भी मेडिसिंस होती हैं, ये सारी इसेंशियल मेडिसिंस होती हैं, तो इनकी जो प्राइस होती है ऑल ओवर इंडिया एक तरह से फिक्स होती है. उसके अंदर जो भी मैन्युफैक्चरर है या जो भी कंज्यूमर है, लाइक जो भी सेलर है, उसको वो अपने अकॉर्डिंग उस प्राइस को बढ़ा नहीं सकता या ना कम कर सकता है. एक तरह से इस ड्रग्स की जो प्राइस होती है, इस मेडिसिंस की जो प्राइस होती है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर रखा है. ठीक है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया 1 अप्रैल 1955 में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को इन्फोर्स किया गया इंडिया में, एंड
विच इनेबल्स इज टू फिक्स द प्राइस ऑफ सम एसेंशियल मेडिसिन, जो भी एसेंशियल मेडिसिन होती हैं उनकी प्राइस को फिक्स करना, एंड देन जो भी ड्रग्स बल्क में बन रही हैं, फॉर्मुलेशंस हो रही हैं, उन सारे ड्रग्स के भी जो प्राइस है उसको फिक्स करना एंड देन उसको रिवाइज करना. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स. सो अकॉर्डिंग टू DPCO, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल बल्क ड्रग्स. मीन्स जो भी एसेंशियल ड्रग्स हैं, लाइक मैंने आपको बताया पैरासीटामोल, बीकासोल्स, जो भी अदर भी एसेंशियल ड्रग्स हैं, उसके जो प्राइस है, ठीक है ना, उसको इंश्योर करना चाहिए कि जो बल्क ड्रग्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली हो, उसको अवेलेबल कर किया जा सके, ठीक है, और उसकी जो प्राइस हो वो फिक्स्ड हो. फिक्स द मिनिमम रिटेलर प्राइस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशंस, ठीक है. देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज़ जो भी रेशनल यूज़ हो रहे हैं ड्रग्स की कंट्री के अंदर उसको भी प्रमोट किया जाए, ठीक है, और उसकी जो प्रोडक्शंस की जो कॉस्ट है वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए और इकोनॉमिकल साइज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. तो इसको बेसिकली इनक्रेज करना चाहिए, इसलिए इस एक्ट को लागू किया गया, ठीक है. और टू मेक दीज अवेलेबल एट फेयर प्राइस, मीन्स जो भी इसकी प्राइस है वो क्लियर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक या पेशेंट इस ड्रग को इनटेक कर रहा है या ले रहा है, परचेज कर रहा है, उसके लिए इसकी जो प्राइस होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए और फेयर होनी चाहिए. इसलिए इस एक्ट को जो है इनिशिएट किया गया, इस एक्ट का ये मेन उद्देश्य था. तो दीज आर द वेरियस एम्स मीन्स वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस एक्ट. सो नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल. मीन्स सम शेड्यूल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एक्ट, लाइक शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकेंड एंड शेड्यूल थर्ड. सो अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट, लिस्ट ऑफ 74 ड्रग्स आर इंक्लूडेड. शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जो है आपके लिस्ट ऑफ 74 ड्रग्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, जो कि आपके एसेंशियल ड्रग्स हैं. एसेंशियल ड्रग्स आर इंक्लूडेड फॉर शेड्यूल फर्स्ट. एंड शेड्यूल सेकेंड कंटेन्स वेरियस फॉर्म्स फॉर अप्रूवल एंड रिवीजन ऑफ प्राइस कंट्रोल. मीन्स जो भी हमारा ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है उसके अंदर अप्रूवल या जो प्राइस है उसको रिवाइज करने के लिए जो शेड्यूल्स बनाए गए हैं वो आपके शेड्यूल सेकेंड है, ठीक है. देन नेक्स्ट इज शेड्यूल थर्ड. शेड्यूल थर्ड के अंदर जो भी आपके प्री टैक्स्ड और सेल टर्नओवर जो भी हो रहा है, लाइक जो पर्सन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ड्रग्स को या इंपोर्ट कर रहा है, तो उसके अंदर जो मैक्सिमम टर्नओवर हो रहे हैं, ठीक है ना, सेल के, मतलब सेल ऑफ ड्रग्स के, वो आपके शेड्यूल थर्ड के अंदर दिया गया है, ठीक है. सो नेक्स्ट देखेंगे सम डेफिनेशंस. सम डेफिनेशंस आर रिलेटेड फॉर दिस एक्ट. सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ड्रग्स. सो बेसिकली ड्रग्स आर केमिकल सबस्टांस विच इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज डिसऑर्डर्स एंड प्रिवेंशंस ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं. ड्रग्स क्या है, केमिकल सबस्टांस है, ठीक है, जो कि किसी भी डिजीज़ या डिसऑर्डर के लिए हम उसको बेसिकली ट्रीटमेंट में लेते हैं, या किसी भी बीमारी से बचने के लिए हम ड्रग्स को लेते हैं, तो ये बेसिकली एनिमल्स या ह्यूमन बींग पे दिया जाता है, ठीक है. अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा बल्क ड्रग. बल्क ड्रग मीन्स फार्मास्यूटिकल केमिकल्स एंड बायोलॉजिकल और प्लांट प्रोडक्ट्स. बेसिकली प्लांट प्रोडक्ट इंक्लूडिंग लाइक सॉल्ट, इस्टर, स्टीरियो आइसोमर एंड डेरिवेटिव्स, एंड विच इज़ कन्फॉर्मिंग टू फार्माकोपिया. बेसिकली इट इज़ ऑल्सो कन्फॉर्मिंग टू वॉट, फार्माकोपिया. एंड दिस कन्फॉर्मिंग टू अदर स्टैंडर्ड्स स्पेसिफाइड इन
सेकेंड शेड्यूल्स एंड दिस सेकेंड शेड्यूल्स ऑल्सो रिलेटेड टू DNC Act. DNC Act मीन्स ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. सो बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है 1940 में इंडिया के अंदर आया था, ठीक है. एंड दिस इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ इन्ग्रीडियंट. इसको बेसिकली इन्ग्रीडियंट के तौर पे यूज़ किया जाता है इन एनी फॉर्मुलेशन. मीन्स किसी भी ड्रग की फॉर्मुलेशन के लिए इन्ग्रीडियंट के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है. तो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ बल्क ड्रग. नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेफिनेशंस रिटेल प्राइस. सो रिटेल प्राइस मीन्स कोई भी जो भी प्रोडक्ट है, मीन्स जो भी ड्रग्स हैं, वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर तक आ रही है और होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर के बाद वो प्रोडक्ट जो है हमारे किसके पास जा रहे हैं, कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, ठीक है. तो इसके लिए मैन्युफैक्चरर बनाते हैं, ठीक है. रिटेलर तक जो भी आ रही है प्रोडक्ट, सपोज मान लो कि किसी भी एग्जांपल लाइक कोई भी टैबलेट है, उसका 100 रुपीज़ प्राइस है, ठीक है. तो ये प्राइस जो है कंज्यूमर तक आते आते इसकी प्राइस जो है इनिशिएट मतलब बढ़ जाती है, लाइक 150 या 200 समथिंग, इस तरह से जो है प्राइस को इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है. तो उसको बोलते हैं रिटेलर प्राइस, ठीक है. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड बल्क ड्रग. बेसिकली इट मीन्स बल्क ड्रग स्पेसिफाइड और नॉट स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है. ये बेसिकली आपके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है. जैसे कि हमने 3 शेड्यूल्स पढ़े हैं इस एक्ट के अंदर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज डीलर. मीन्स डीलर मीन्स वो पर्सन बेसिकली क्या करते हैं, कैरिंग करते हैं बिजनेस को, और जो भी सेल ऑफ परचेज हो रही है उसको, वेदर इट इज़ अ सेलर और रिटेलर ऑफ ड्रग. मीन्स जो ड्रग है उसको, उस पर्सन को, उसका पर्सन का जो काम होता है ड्रग को बेसिकली क्या करना, बिजनेस के साथ परचेज जो भी हो रहा है उस ड्रग का, वेदर सेल करना और वेदर रिटेल करना, ठीक है. देन डिस्ट्रीब्यूटर. नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिस्ट्रीब्यूटर. डिस्ट्रीब्यूटर मीन्स ऐसे पर्सन जो कि अपॉइंट होते हैं मैन्युफैक्चरर के थ्रू और इम्पोर्टर के थ्रू फॉर द पर्पस ऑफ स्टॉकिंग ऑफ हिज ड्रग सेल एंड सेल टू अ डीलर. मीन्स बल्क में ड्रग को लेना और फर्दर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना अदर डिफरेंट प्लेस पे, ठीक है. तो ये डेफिनेशंस जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स के हैं, ठीक है. नेक्स्ट है रिटेलर, ठीक है. रिटेलर मींस डीलर, ठीक है ना. रिटेलर वो होते हैं जो क्या करते हैं, डीलर के साथ अपनी बात रख करके और वहाँ से बल्क में ड्रग लेकर के और फिर वो क्या करते हैं, रिटेल प्राइस करते हैं फर्दर उस पर्टिकुलर ड्रग की, ठीक है. देन नेक्स्ट डेफिनेशन इज होलसेलर. मींस होलसेलर मीन्स जो भी बल्क में ड्रग्स होती हैं उसकी होलसेलिंग होती है, और होलसेलिंग बेसिकली रिटेलर मीन्स आपका रिटेल हो रहा है वो, ठीक है, रिटेलर, और वो ड्रग बेसिकली आपका हॉस्पिटल में जाएगा, ठीक है, बल्क में, ठीक है, हॉस्पिटल, देन डिस्पेंसरी, मेडिकल एडुकेशंस या मेडिकल रिसर्च, ठीक है, एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में ऑल्सो, ठीक है. तो होलसेलर मींस जो भी ड्रग्स है उसको बल्क में रिटेलर लेके जा रहा है, देन वो हॉस्पिटल्स में जा रहा है, किसी भी डिस्पेंसरी शॉप पे जा रहा है, मेडिकल एडुकेशंस के लिए फर्दर उसको यूज़ की जा रही है, या किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए उसको लेकर के जाया जा रहा है, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है. तो ये डेफिनेशन आपकी होलसेलर की हो गई, ठीक है. नेक्स्ट डेफिनेशन इज सेलिंग प्राइस. सो अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस, इट इज़ द फर्स्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बाय द गवर्नमेंट, ठीक है. इस प्राइस को बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू एक तरह से फॉर्मुलेटेड की जाती है, बनाई जाती है,
ताकि जो भी ड्रग्स हैं, पर्टिकुलर जो भी ड्रग्स हैं उसकी प्राइस जो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, या जो रिटेलर हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उसके अंदर उस प्राइस को इंक्रीज और डिक्रीज नहीं करें, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मीन्स ये फर्स्टली गवर्नमेंट के थ्रू इस प्राइस को बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड सेलिंग प्राइस। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज नेट वर्थ। नेट वर्थ मीन्स जो भी रिसर्च पेड वर्क हो रही है, ठीक है, सॉरी रिजर्व, फ्री रिजर्व पेड ऑफ शेयर प्रॉफिट, मीन्स जो भी शेयर कैपिटल, मीन्स जो भी प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नेट वर्थ, ठीक है ना। देन प्री टैक्स रिटर्न। प्री टैक्स रिटर्न मीन्स जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट्स बिफोर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स मीन्स आपने कोई भी बिजनेस किया है तो उसके अंदर आपको इनकम टैक्स भरना है, तो उसके मतलब पूरी जो आपको बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रही है उसको बेसिकली बोलते हैं प्री टैक्स रिटर्न। तो हमने देखा वेरियस डेफिनेशंस जो कि इस एक्ट के अंदर है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का। थैंक यू।